अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इंग्लिश लर्निंग विद जी के साथ माई सेल्फ ज़िशान ज़फ़र। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही फेमस प्ले है जू ऑफ माल्टा बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने इस प्ले को लिखा है। बहुत बहुत फेमस प्ले है, बहुत आउटस्टैंडिंग प्ले है। डॉक्टर फॉस्टस भी इसी का प्ले है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। इसको लिखा गया था 1589 से 90 के अंदर, और ये परफॉर्म्ड हुआ था 1590 के अंदर, यानी 1590 के अंदर ये परफॉर्म हुआ था। ये प्ले माल्टा एक सिटी है, माल्टा एक आप स्टेट कह सकते हैं, सिटी नहीं स्टेट कह सकते हैं, वहाँ पे ये प्ले उस हवाले से वहाँ पे ये प्ले किया परफॉर्म किया गया। रिवेंज ट्रेजेडी है ये, बेसिकली रिवेंज ट्रेजेडी है। और कितना आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्टिंग प्ले है ये आपको अभी आइडिया हो जाएगा जैसे जैसे हम इसकी स्टोरी डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगन। कैलेमेथ ये टर्किश का टर्किश के किंग का बेटा है, सन है, और ये आया हुआ है माल्टा के गवर्नर फर्निस के पास वसूली करने, पैसे लेने। पिछले 10 सालों से इन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया, गवर्नर ने कोई टैक्स नहीं दिया टर्किश को। टर्किश यहाँ पे रोल ओवर किए हुए हैं तो कोई पैसे नहीं दिए। अब फर्निस इतनी ज़्यादा अमाउंट इकट्ठे एक साथ नहीं मैनेज कर सकता, तो उसने क्या किया, उसने कैलेमेथ जो वहाँ का प्रिंस था टर्किश का, उसको उसने कहा कि मुझे एक महीने का टाइम दो, मैं आपको पैसे इकट्ठे करके देता हूँ। अब वो चला जाता है एक महीने का टाइम देके। अब जो फर्निस है, जो गवर्नर है, वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब वो डिसाइड करता है कि माल्टा के अंदर, बेसिकली ये माल्टा के अंदर जितने भी ज्यू हैं, यानी यहूदी, जितने भी यहूदी हैं, उनसे ये आधी आधी दौलत लेगा, आधे आधे पैसे लेगा और टैक्स पे करेगा। अब वहाँ पर एक और यहूदी होता है, ये बहुत मेन करेक्टर है दोस्तों, पैराबस इसका नाम होता है, और ये बहुत ज़्यादा अमीर होता है। ये जो बहुत ज़्यादा यहूदी अमीर होता है, तो ये आवाज़ उठाता है गवर्नर के अगेंस्ट, बोलता है कि हम क्यों अपनी, मैं क्यों अपनी आधी दौलत दूं। इसके बोलने के हक पे क्या होता है, इसकी सारी की सारी जो दौलत होता है, जो पैसे होते हैं, उसे जब्त कर लिया जाता है और ये बेचारा रोड पर आ जाता है। तो अब इसको बदला लेना है, इसको बदला लेना है कि जी इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने गवर्नर से बदला लेना है। तो सबसे पहले इसने क्या कि अपनी दौलत इसने वापस लेनी है। अब स्टोरी मेन इसी पे रिवॉल्व करेगी, ये कितना ख़तरनाक साबित होगा ये आपको अभी पता चल जाएगा। इसकी एक बेटी है जिसका नाम एबिगेल है। अब ये क्या करता है, ये अपनी बेटी को नन बनाता है, यानी क्रिश्चियन के अंदर बेसिकली जो होता है वो नन बना देता है, इसको जू से क्रिश्चियनिटी की तरफ ले आता है, नन बनाता है। अब नन बनाने के बाद कॉन्वोकेशन के दौरान अब क्या करता है, रातों रात ये अपना सारा पैसा अपनी बेटी के थ्रू क्या करता है, वापस ले लेता है, और इस तरह से इसके पास अपनी सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। क्योंकि प्ले का मेन जो थीम है वो रिवेंज प्लस ट्रेजेडी है, तो उसको सुकून नहीं मिलता। अब इसके पास इसकी दौलत आ गई है, अब ये तो हो गया, लेकिन अब इसने बदला लेना है। बदला किससे लेना है, इसने फ्रेंड से लेना है, इसने गवर्नर से बदला लेना है। अब क्या करता है, अब ये, अब जो एबिगेल है, अब ये इसको एक और चीज़ें समझाता है। अब क्या होता है, अब ये पैराबस क्या करता है, पैराबस एक और काम करता है। अब जो फ्रेंड्स है, गवर्नर है, इसका एक बेटा है जिसका नाम है लुडविक जो है, और इसका एक दोस्त है मिथाइस, ये दो दोस्त हैं आपस में। अब लुडविक जोन्स है, उसने एबिगेल के बारे में सुन रखा होता है कि जो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। अब ये इसके पीछे बहुत ज़्यादा पागल होता है, लुडविक इसके पीछे बहुत ज़्यादा पागल होता है, और मिथाइस भी एबिगेल से मोहब्बत करता है, इसे पसंद करता है। अब ये क्या करता है, अब इतनी देर में स्पेनिश मैन आ जाता है, एक स्पेनिश का एक बंदा आ जाता है स्पेन से, वो कहता है गवर्नर फ्रेंड्स के गवर्नर को कहता है, गवर्नर को माल्टा गवर्नर जो फ्रेंड्स होता है उसको कहता है कि जी हम चाहते हैं कि आप जोन्स है ना, हमें पता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, आप जोन्स है ना कैलेमेथ को आपने टैक्स नहीं देना, हम आपके साथ हैं, स्पेनिश गवर्नमेंट आपके साथ है, और हम तुर्की के साथ जंग करेंगे। तो इधर से ये प्लान करके जाता है, अपने कुछ गुलाम जो है वो उस गवर्नर को दे के जाता है। अब जो पर्पस है वो क्या करता है, पर्पस क्या करता है, एक स्लेव ख़रीदता है मार्केट से जिसका नाम होता है एथमोर। एथमोर को वो ले लेता है। अब ये जो एथमोर है इसको वो यूज़ करेगा हर जगह पे। अब पैराबस किसी काम के सिलसिले से मार्केट में आया हुआ होता है, जब वो इन दोनों को देखता है, लुडविक को और मिथाइस को देखता है, तो वो पैराबस एथमोर के ज़रिए एक झूठ मूड का नकली सा लेटर
अपनी बेटी के बिहाफ पे लिखवा के वो इन दोनों को भिजवा देता है, दोनों को, यानी दोनों को एक दूसरे के साथ बेसिकली वो लड़वा देता है। जब दोनों को लड़वाते हैं, दोनों आपस में लड़ लुड़ के मर मुर जाते हैं, दोनों की डेथ हो जाती है। जब दोनों की डेथ हो जाती है, अब होता ये है, जो एबेगल होती है ना, वो मिथाइस को पसंद करती है, वो इससे मोहब्बत करती है। जब उसे ये पता चलता है कि मेरे बाप ने ये काम किया है, तो वो क्या करती है, वो दोबारा से नन बन जाती है, दोबारा से वो यहूदियत को छोड़ के ईसाइत में आ जाती है, क्रिश्चियनिटी के अंदर आ जाती है। अब जो पैरापस होता है, इसको अब डर आ जाता है कि जी मेरी बेटी मेरे बारे में सब कुछ जानती है, अब अगर ये किसी को बता देगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो क्या करता है, घर से अपने चावल दलिया टाइप बना के उसमें जहर डाल के वो भिजवाता है अपनी बेटी के यहाँ, और इसके साथ जितनी भी नन होती हैं वो ये खाती हैं जहर वाला खाना, और उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन एबेगल मरने से पहले एक लेटर लिख के जाते हैं, लेटर के अंदर अपने बाप के सारे काले करतूत लिख के जाते हैं कि किस तरह उसने क्या किया ये, वो वहाँ के पादरी को, फ्रायर को, फादर को दे के चली जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब क्या होता है, अब जो पादरी होते हैं वो आते हैं किसके पास, पैराबस के पास। जब पैराबस के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम या तो, अब क्या होता है, स्पेनिश और गवर्नर जितने भी हैं ये तुर्कियों के खिलाफ जंग लड़ रहे होते हैं, और कुछ किस्मती से या बदकिस्मती से कह दें, जो तुर्की होते हैं, जो तुर्किश होते हैं, वो जंग जीत जाते हैं। अब होता ये है, पैराबस के पास वो दोनों फादर आते हैं, दोनों पादरी आते हैं, और वो कहते हैं कि जी आपने इस तरह से ये किया है तो आप बताओ। अब ये इतना चलाक है, आपको अभी आइडिया हो जाएगा। ये कहता है कि ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि मैं तौबा करता हूँ, मैं यहूदियत को छोड़ के क्रिश्चियनिटी के अंदर आता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसके प्रोटेक्शन के अंदर आऊँ, मेरी सारी दौलत भी उसके पास चली जाए। वो क्या करता है, कहता है कि जी आप दोनों डिसाइड कर लें, दोनों पादरी ठहरे हुए हो, डिसाइड कर लो कि मैंने किसकी तरफ जाना है। अब पैसे का लालच आ गया दोनों के अंदर, वो दोनों भी आपस में लड़ते हैं और दोनों ही की डेथ हो जाती है, दोनों मर जाते हैं। यानी ये इतना ज़्यादा चलाक होता है। अब कहानी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इथमोर जो उसका ग़ुलाम होता है उसकी सेटिंग हो जाती है बेलामीरा, एक वैश्य होता है, एक प्रोस्टिट्यूट होती है उसके साथ। अब वो इसको फंसा लेती है इथमोर को, और बेलामीरा को इथमोर सारा कुछ बता देता है कि जो मेरा मालिक है परबस, जो मेरा मालिक है वो मुझसे क्या क्या काम कराता है और उसके क्या क्या काले करतूत हैं। अब ये मिल के क्या करते हैं, इसको ब्लैकमेल करते हैं। परबस इतना ज़्यादा चलाक होता है, वो कहता है कि मैं ऐसा हूँ तो मैं इनको सेट करूँगा। वो क्या करता है, वो मैजिशियन बन जाता है। मैजिशियन बन के बेलामीरा को एक फ्लावर देता है, उसके अंदर जहर होता है, वो फ्लावर इसको देता है और उसके अंदर जहर होता है, और वो इथमोर को भी, दोनों को वो जहर दे देता है। अब क्या होता है, ये दोनों उस जहर को सूंघ लेते हैं, दोनों की डेथ हो जाती है। लेकिन दोनों मरते मरते वो लेटर, वो सारी चीज़ें जो गवर्नर होता है फ्रेंड्स का, उसको बता जाते हैं। अब जैसे ये परबस को पता चलता है, परबस क्या करता है, खुद को मार लेता है, खुद को मार देता है। बेसिकली खुद को वो मारता नहीं है, वो ड्रग्ड ले लेता है, अपने ड्रग्ड ऐसी लेता है कि दो चार घंटे के लिए वो ऐसा फील होता है कि यानी वो बिल्कुल सेंसलेस हो गया, वो बिल्कुल मर गया है। अब वो क्या होता है, अब क्या करते हैं, इसको शहर से बाहर फेंकवा देते हैं, माल्टा शहर के बाहर फेंकवा देते हैं परबस को। अब उसे होश आता है, वो ड्रग लिया हुआ होता है। जब उसे होश आता है, वो फैसला करता है कि वो माल्टा के लोगों से बदला लेगा। अब वो क्या करता है, वो कैलमथ जो टर्किश का यानी प्रिंस होता है उसके पास जाता है और उसे बताता है कि किस तरह से हम डिफ़ीट कर सकते हैं माल्टा को, ये वो सारा कुछ वो बताता है। अब वो कैलमथ इतना खुश होता है, परबस को क्या करता है, परबस को माल्टा का गवर्नर बना देता है, फिंस को हटा के माल्टा का गवर्नर परबस बन जाता है। अब इसको यहाँ पे भी सुकून नहीं आता, इसके माइंड में एक बात आ जाती है कि मैंने, अब इसके माइंड में ख्याल आता है यानी बिल्कुल सिंसियर हो गए कि मैंने गलत किया माल्टा वाले लोगों के साथ, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। अब ये दोबारा एक लेटर लिखता है, लेटर के थ्रू ये फिंस को लेटर लिखता है और उसको आके बताता है कि मैंने सारा प्लान सेट किया गया, हम कैलमथ को धोखे से मार सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स होता है वो इसकी बातों में आ जाता है, लेकिन एंड में आके, लास्ट में आके ना वो क्या हो जाता है, इसके अगेंस्ट हो जाता है कि नहीं, तुमने मुझे पहले भी धोखा दिया था, तुम मुझे फिर से भी धोखा दे सकते हो। अब पैराबस के साथ क्या होता है, जिसने जाल सेट किया होता है कैलमथ के लिए, उसी जाल में ये खुद फंस जाता है और इसमें एक आग भड़क उठती है, उसमें इसकी डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ के केस के अंदर कैलमथ को भी पकड़ लिया जाता है और उसे भी जेल में बंद कर दिया जाता है। इस बार जब पैराबस आता है ना, तो ये सच्चे और सीधे इरादे से आता है। तो बेसिकली ये प्ले था, होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। रिवेंज ट्रेजेडी ये थी मार्लो की, बहुत ज़बरदस्त इसने काम किया हुआ था, ये ओवरऑल स्टोरी थी। होप सो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।